बिग बॉस ओटीटी का तीसरा सीजन 21 मई से शुरू हो गया है। शो में इस बार 16 कंटेस्टेंट पहुंचे हैं, जिसमें बॉलीवुड और टीवी स्टार्स के अलावा हिंदुस्तान के जाने माने पत्रकार दीपक चौरसिया, रैपर फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियां, बॉक्सर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समेत कई स्टार्स पहुंचे हैं। आइए जानते हैं इस शो में पहुंची सबसे ज्यादा विवादों और बड़ा पाव गर्ल के नाम से मशहूर कंटेस्टेंट के बारे में। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे उनकी कहानी और उनके स्ट्रगल के बारे में। बिग बॉस ओटीटी का तीसरा सीजन अपने बाकी अन्य सीजन से काफी अलग नजर आ रहा है। इस बार जहां शो का होस्ट बदला है, तो वहीं बिग बॉस ओटीटी 3 में इस बार ज्यादातर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एंट्री ली है। अनिल कपूर के इस शो में बड़ा पाव गर्ल के नाम से मशहूर हुई चंद्रिका गेरा दीक्षित हैं। चंद्रिका गेरा दीक्षित का दिल्ली में वड़ा पाव की दुकान है, जिसके वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। इतना ही नहीं, चंद्रिका गेरा दीक्षित की वड़ा पाव की सेल को देख कई लोग उनकी कमाई का अक्सर अंदाजा लगाते रहते हैं। क्या आपने भी कभी उनके वायरल वीडियो देखते हुए उनकी कमाई का अंदाजा लगाया है? अगर नहीं तो ज्यादा दिमाग के घोड़े मत दौड़ाएं, क्योंकि वड़ा पाव गर्ल ने खुद इसका खुलासा कर दिया है। चंद्रिका गेरा दीक्षित को अक्सर लग्जरी कार में भी घूमते हुए देखा गया है, जिसके चलते लोग उनकी कमाई को लेकर अक्सर चर्चा करते रहते हैं। अब उन्होंने खुद बिग बॉस ओटीटी के सीजन 3 में आने के बाद इस बात का खुलासा किया कि प्रतिदिन उनकी कमाई कितनी होती है। चंद्रिका की एक दिन की कमाई सुन MBA इंजीनियर सहित कई बड़ी पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के होश उड़ जाएंगे। उन्होंने बताया कि वह बड़ा पाव से एक दिन में 40,000 रुपये की कमाई करती है। ऐसे में हिसाब लगाया जाए तो चंद्रिका गेरा दीक्षित की एक महीने की कमाई 12 लाख है। चंद्रिका दीक्षित एक फूड स्टॉल चलाती है, लेकिन इंस्टाग्राम पर उनके 53,000 फॉलोअर्स हैं। उनका वड़ा पाव का स्टॉल काफ़ी चर्चित है, जहां वो लोगों को 50 रुपये में वड़ा पाव खिलाती है। जानकारी के अनुसार कुछ पारिवारिक परेशानी की वजह से उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी थी और उसके बाद उन्होंने घर चलाने के लिए स्ट्रीट फूड का स्टॉल लगाना शुरू किया और आज काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। चंद्रिका दीक्षित मूलतः इंदौर की रहने वाली है। उनका एक छोटा बच्चा है और पति भी काम में सहयोग करते हैं। कुछ वीडियो में देखा गया कि उसके वायरल होने के बाद ठेले पर लोगों की लंबी लाइनें लग गई, एक साथ कई कई लाइन लगी। लोग वड़ा पाव खाने के लिए घंटों तक इंतज़ार भी कर रहे हैं। वड़ा पाव गर्ल ने शो में बताया कि यहाँ तक पहुँचने का उनका ये सफ़र काफ़ी मुश्किलों भरा था। वह हल्दीराम कंपनी में काम कर चुकी हैं और उनके पति यश गेरा रैपिडो कंपनी में कार्यरत थे। अपने पति को अनियमित घंटों की नौकरी करते देख और बेटे के डेंगू बुखार से जूझने की वजह से उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। ऐसे में खाना बनाने के प्रति उनके जुनून ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद दिल्ली के सैनिक विहार इलाके में उन्होंने अपना फूड कोर्ट का काम शुरू किया। खुद का बिजनेस शुरू करने के बाद चंद्रिका दीक्षित जल्द ही बड़ा पाव गर्ल के नाम से मशहूर हो गई। उनका साधारण से बड़ा पाव का ठेला खूब फेमस हो गया। उनके हाथ का वड़ा पाव खाने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचने लगे। वह सुर्खियों में तब आई जब फूड ब्लॉगर अमित जिंदल ने उनके ठेले की व्लॉगिंग की, जिसमें उनके वड़ा पाव बनाने और बेचने का हुनर देखने को मिला था। अमित जिंदल के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया गया और इसी से चंद्रिका रातों रात सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। इसके बाद उनके वड़ा पाव ठेले पर लोगों की लंबी लाइन लगी थी। फेमस होने के बाद का सफ़र भी उनके लिए आसान नहीं था। इस वीडियो के बाद उनका एक दूसरा वीडियो सामने आया, जिसमें वह बहुत रो रही थी। इसमें वह दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाती हुई नजर आई। उन्होंने इसमें 35,000 रुपये की फीस भरने के बाद भी रिश्वत लेने का आरोप लगाया। इसके बाद कई स्ट्रीट वेंडरों की इससे जुड़ी परेशानियां सामने आई। चंद्रिका का वड़ा पाव का ठेला देखने के बाद कई लोगों ने वड़ा पाव का बिजनेस शुरू किया। कॉम्पिटिशन बढ़ता देख उन्होंने डोली चाय वाला सुनील पाटिल के साथ कोलैब किया। साथ ही बिग बॉस के सनी आर्या और पुनीत सुपरस्टार के साथ भी कोलैबोरेशन किया। इसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ने लगी थी। उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी का खूब फायदा भी उठाया। आज वह किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से 70 लाख से ज़्यादा कीमत की फोर्ड मर्सटैंग कार भी खरीद ली है।
वो कहती हैं कि दिल्ली में अधिकतर लोग वड़ा पाव के नाम पर टिक्की बनाकर खिलाते हैं, लेकिन वो मुंबई स्टाइल में इसे बनाती है। चंद्रिका का कहना है कि वे मूल रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली हैं और दिल्ली के लोगों को मुंबई का स्वाद दे रही हैं। उनके वीडियो बीते कुछ दिनों से वायरल भी हुए। एक वीडियो में वो रोती हुई भी नजर आती है, कहती हैं उनके स्टोल को हटाने की कोशिश हो रही है, जबकि एक और वीडियो में वो लोगों की भीड़ से परेशान हो जाती हैं। इतने ज़्यादा लोग वड़ा पाव खरीदने आ जाते हैं कि सड़क ही जाम हो जाती है। आपकी वड़ा पाव गर्ल को लेकर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।